ये हम जा रहे किले में, ये रास्ता है। ये जो ऐसे डिज़ाइन बन रही है घोड़ों को चढ़ने के लिए होती थी, जिससे कि घोड़े इस पे आसानी से चढ़ सके, स्लिप ना हो। ये अंदर कहाँ है? टेबल वगैरह यहाँ पर लगी हुई है, चैन लगी हुई भारी सी। ये क्या बना हुआ है देखते हैं। ये राजा का बैठक होगा शायद। झरना है यहाँ पर, इसमें बहुत कम पानी है। कुछ इस साइज ये रास्ता जाता है ऊपर की ओर। उनके ऊपर चलते थे ये, सिर्फ चलने और बैठने के लिए है, जैसे कि आपने फोटो में देखा। यहाँ से पूरा गार्डन एकदम दिख रहा है, बहुत ही सुंदर। पूरा किला यहाँ पर, पूरे किले के चारों साइड बाउंड्री है, बीच में बहुत बड़ा सा गार्डन और नीचे खजूर के पौधे लगे हुए हैं। नीचे खजूर के पौधे हैं ना। इसमें जाने का रास्ता कहाँ से है? अच्छा, गार्डन बंद है। कब कब खुलता है ये? कब ही खुलेगा पता नहीं है। झूला पूरा महल राजा का, अंदर जाने का रास्ता पलंग। पूरा वाइट वाइट है, पंखे लगे हुए हैं, कुछ खास है नहीं रखा हुआ, कुछ नहीं है। जैसे कि आपने पहले जाने वाला वीडियो देखा तो उसमें बहुत सारा कुछ ना कुछ था देखने को, गहने वगैरह, पर इसमें कुछ नहीं है ऐसा। यहाँ से कुछ नीचे का नज़ारा, बहुत ही छोटे छोटे रास्ते बने हुए हैं।
मेरा बैग तो इनमें आ भी नहीं पाएगा। दरवाजे भी बहुत छोटे छोटे, इन कमरों में कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है देखने के लायक। पूरा खाली पड़ा है। ये क्या भूल भूलिया टाइप है। एक तो ये इधर से गए उधर से वापस आ गए। कांच लगे हुए यहाँ पर, कांच बहुत सारे लगे हैं, और तो कुछ है नहीं। आप यहाँ पर आओ तो अपना चेहरा देख सकते हो, बस चेहरा देखते रहिए अपना, इतने सारे कांच में। यहाँ पर बंद है, लिफ्ट लगी हुई यहाँ पर फिलहाल, यहाँ पर बंद है। और बहुत ही छोटे छोटे दरवाजे, खदेड़ पड़ा है, पूरा खाली है पूरा। आप यहाँ पर आओ टाइम वेस्ट है पूरा, कुछ नहीं है इस किले में, कुछ भी नहीं देखने के लायक। आप अगर आ रहे हो तो मैं आपको अच्छा से सजेशन देता हूँ, आप लाइब्रेरी देखें, संग्रहालय देखें, उसमें देखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और यहाँ पर अगर आओगे तो आप सिर्फ खंडर देख सकते हो, पूरा कुछ नहीं है, पूरा देख सकते हो खाली पड़ा है। क्या देखोगे यहाँ पर, है क्या देखने के लिए। जालियाँ लगी हुई है जैसे कि हम देख रहे थे, हवा आ जा सके। और ये ऊपर जाने के लिए रास्ता है, कुछ एक तस्वीरें हैं यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है इतना टाइम नहीं है मेरे पास पढ़ने के लिए। चलो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो पढ़ सकते हो, पर मेरे को नहीं पढ़ना है। ये दरवाजा है, खुलेगा नहीं, बंद है भाई, बस कांच ही कांच लगे हुए, और तो कुछ है नहीं, बस कांच ही कांच। मुझे लगता है इसमें अपना राजा सिर्फ चेहरा ही देखा करता होगा, इतने सारे कांच में। भूल भुलैया, एक भूल भुलैया में फंस चुका हूं मैं। ये रास्ता बंद, यहां से नीचे खुला है। यहाँ से खुला है, यहाँ पर कुछ रखा हुआ है देखने के लिए। लगता है मनी वेस्ट तो नहीं है, बंदूकें आप देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी है, पर गोलियाँ बहुत छोटी है, यहाँ पर गोलियाँ बहुत छोटी निकलती हैं इनकी बाहर। तलवारें वगैरह बहुत रखी हुई, चाकू छुरे। ये देख सकते हो तलवारें, बस तलवारें ही तलवारें। कैसे राजा युद्ध के समय तिलक वगैरह किया करते थे वो यहाँ पर हैं। और ऊपर एक तलवारों का सेट, और यहाँ पर भाले हैं। बंदूक रखी हुई यहाँ पर, तो बंदूक
वस्तुओं को हाथ ना लगाए, क्योंकि कभी भी गोली भी छूट सकती है। चाकू, भाले रखे हुए, छोटे छोटे तीर कबान वगैरह। ये शायद बारूद भरने के लिए होंगे। यहाँ पर भी आप देखो तो बहुत सारे छुरे, बंदूकें, तलवारें रखी हुई हैं। ये एक तहखाना है, सिर्फ तहखाना, जहाँ पर ये सब रखी हुई है। ये बंदूकें हैं, जिसमें से दो गायब है, तोड़ कर लेके गए, दो नहीं तीन गायब है, दो इधर एक उधर। छड़ी रखी हुई है यहाँ पर, जिससे घोड़े को या किसी को मारा जाता होगा। ये तीर कबाने हैं, तलवार है, ढाल है। ये तलवार आप देख सकते हो कितनी भारी होगी। यहाँ पर पिस्टल है एक, पुराने समय की पिस्तौल रखी हुई है, और यहाँ पर तलवारें बहुत भारी भारी। ये देखिए, ये तलवारें तो हल्की हैं, इस ऊपर से सोने की बनी हुई है, राजा महाराजाओं की तलवारें। त्रिशूल है, छुरे है, तलवारें है, छीनी है, तवा है। तवा भी मारने के लिए यूज होता था क्या पहले? अभी तो होता ही है पबजी में। ये देख सकते हो बहुत सारी तलवारें, नाग 13833, इतनी बड़ी बंदूक। पुराने जमाने का पंखा, और बहुत सारी तलवारें। ये सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए होती होगी, शाही तलवारें। और भी दिखाते हैं आपको आगे क्या क्या है। ये पूरा तहखाना बना हुआ है, बंदूक गन मशीन भी है यहाँ पर, आगे देख सकते हो आप। यहाँ पर पूरी तलवारें हैं, इस साइड भी तलवारें हैं, यहाँ पर गन मशीन है। ये गन मशीन पुराने टाइम की, उससे धड़ाधड़ गोलियाँ चलती थी।
ये नॉर्मल बंदूकें, दो गन मशीन थी यहाँ पर जो यहाँ पर रखी हुई है। ये पूरा यहाँ पर तहखाना है, इतना बड़ा तहखाना, इसमें आधी आधी से भी कम मुझे लग रहा है यहाँ पर बंदूकें तलवारें वगैरह रखी हुई है सिर्फ दिखाने के लिए। पर जो तहखाना है सारी बंदूकें अब तक तहखाने में ही होगी। सिर्फ बड़े बड़े कांच लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग तलवारें रखी हुई, अलग अलग तरीके की बंदूक भी है। यहाँ पर इधर देखने के लिए बहुत है, अगर आप आ रहे हो इधर बहुत कुछ है देखने के लिए। आप आइए देखिए, पानी पीते हैं भाई। चलिए ये तो देख ही लिया है, पुराने ज़माने की बंदूकें वगैरह बहुत सारे किलों में हमने देखी होगी। ये बीकानेर किले के बारे में है। ये राजा का कक्ष, इतना बड़ा, ऊपर पूरा लकड़ी का बनाया हुआ है। और बहुत बड़ा तांबे का लोटा, और तलवारें, इस तलवार के साथ एक बंदूक भी होती थी। ये देखिए ये बंदूक है, ये दोनों तलवारों के साथ एक एक बंदूक रखी हुई है। अगर तलवार से नहीं मरता था तो गोली चलाते थे, गोली से मर जाता था। जो सामने का दुश्मन होता था वो तलवार से नहीं तो गोली से मर जाता था। ये गोलियाँ इसके अंदर डाल के फिर कारतूस भरे जाते थे उस टाइम में। तो ये तलवारें, बस तलवारों से ही भरा हुआ है। किस तरह के हथियार यहाँ पर रखे हुए आप देख सकते हो, बहुत ही घातक। ऐसे हथियार पहले दूसरे किलों में मैंने नहीं देखे हैं। इसको ही देख लीजिए, या इसको ही देख लीजिए किस तरह से इसने अपने दुश्मनों को उड़ाया होगा। इन हथियारों द्वारा किस तरह से दुश्मन मारे गए होंगे, ये देख सकते हो। बंदूक के साथ छुरा, गन है उसके साथ छुरा एक, कैसे इन्हें यूज किया गया होगा अपने समय में, कैसे इनसे दुश्मन मारे गए होंगे। ये राजा के लिए है, धनुष रखे हुए हैं और छोटे छोटे तीर। ये देख सकते हो किस किस प्रकार के तीर यहाँ पर रखे हुए हैं। चंद्र तीर है एक बीच में,
अर्धचंद्र, त्रिशूल तीर, और फिर भाले वाले तीर है अलग अलग तरीके के, फिर ऊपर छोटे छोटे तीर है। ये पूरी पत्थर पे निकासी की गई है, इसकी हिरण वगैरह बनाए गए हैं और बहुत ऊपर तक है। इस साइड में आपको दिखाए तो ये बीच में आपको जो दिख रही है नागिन तलवार है, नाग की तरह। ये दुश्मन के एक बार ही शरीर में जाते ही दुश्मन को ख़त्म कर देती है, क्योंकि जब ये घुसती है और जब ये निकलती है तब दोनों टाइम वार करती है। घुसते टाइम भी वार करती है और निकलते टाइम भी शरीर से वार करती है, शरीर को काट देती है पूरा। उस टाइम की तलवारें है पूरी सोने की, इसकी जो हत्थे बने हुए हैं सोने के पूरे, देख सकते हो गोल्डन कलर के हैं। कुल्हाड़ियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं, अलग अलग तरीके की कुल्हाड़ियाँ हैं। चलो छुरे, राजा की ड्रेस जो कि सोने से बनी हुई है, गोल्डन ड्रेस। ये जब यहाँ पर सजाई गई तो उसमें से दो यहाँ के टिक्के हैं जो निकाली गई है, देखिए किसी ने, पूरा गोल्ड है। बहुत सारी चीज़ें इसमें निकाली गई है, अभी बेचारी आधी अधूरी ड्रेस बची है। युद्ध के समय का हेलमेट, उस समय यूज होने वाला, ये हाथ के, ये पैर के, ये हाथ के, ये सीने का बुलेट प्रूफ, ये बुलेट प्रूफ हेलमेट, ये देखिए ये कितने किलो का होता होगा, करीबन ये 50 किलो का होगा। जिस तरह से ये लोहे का बना हुआ है 50 किलो का है। ये देखिए गोटे हैं, गोटे बने हुए हैं दुश्मन को एक ही बार में उड़ाने के लिए। छुरे, चलो अब निकलते हैं यहाँ से, तहखाने से बाहर। बाहर जाने का रास्ता यहाँ से है।